हेलो फ्रेंड्स, मैं आरके पाल आपका अपना चैनल आरपीसी 8 पॉइंट में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बिहार 7 फेज बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जीके जीएस इसमें साइंस फैक्टर जो है उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो हम आज साइंस का सिलेबस लेके आए हुए हैं इस वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप हो ही रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक ऑनलाइन का मैं क्लासेस चलाऊंगा, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के पहले हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि सिलेबस आखिर होता क्या, क्या क्या पढ़ना। बहुत सारा चीज़ नहीं पढ़ना, उतने किताब को अगर देखा जाए तो हम लोग पढ़ते रह जाएँगे और उससे क्वेश्चन आएँगे नहीं और समय कम है। तो मैं सिलेबस वैसे लेके आया हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, और ये 100% आपके चांस है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज मैं तीनों विषय का, साइंस में तीनों विषय जो होता है आप देखते होंगे, साइंस में फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है और बायो होता है, तीनों होता है। तो तीनों विषय में कितना कितना हम लोग पढ़ लेंगे, कितना कितना कौन कौन चैप्टर पढ़ लेंगे जिससे क्वेश्चन आ जाएंगे और उससे हम लोग का काम चल जाएगा, हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी बेस पे होगा, एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस पे होगा, उस पर मैं सिलेबस लेकर आया हुआ हूँ। और बहुत यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जिस पे क्लासेस कराए जा रहे हैं, लेकिन वो हायर लेवल का, बीपीएससी लेवल का, जबकि ये टीचर का एग्ज़ाम है, आप जानना है। और सिलेबस में क्लियर चेयरमैन ने कह रखा है कि जो सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेसिस होगा, और साइंस जो होगा वो साइंस मैथ और इंजीनियरिंग जो होगा, और साइंस जो होगा वो आपके 12th लेवल तक आएंगे, और एसएसटी मतलब एसएसटी भी जो है वो 12th लेवल के आएंगे, और एससीईआरटी एनसीईआरटी से बेसिस आएंगे। तो आइए हम लोग सिलेबस को आज पहले जानेंगे, और कल मैं इसका वन लाइन करके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, और उसके बाद से फिर जो क्वेश्चन होगा उसको मैं कराऊँगा साइंस का, और फिर इसके बाद से मैथ का भी कराऊंगा मैं, ठीक है। धीरे धीरे सारे वीडियो अपलोडेड होते जाएंगे, आप फ्री में पढ़ सकते हैं और फ्री में आप पढ़ सकते हैं। मेरे पास अभी नोट्स अवेलेबल नहीं है, नोट्स अवेलेबल होगा तो मैं नोट्स के लिए भी अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो आइए जानते हैं हम लोग सिलेबस टाइम कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिक्स का, सबसे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान में जानेंगे क्या पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो मापन है। मापन में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो वो राशि एवं मात्रक पढ़ना है और मापक यंत्र पढ़ना है। दूसरा जो पढ़ना है यांत्रिकी पढ़ना है। अब यांत्रिकी में क्या क्या पढ़ना है, गति एवं विराम, बल, बलाघूर्ण, बलयुग्म, घर्षण, उत्तोलक, कार्य, ऊर्जा शक्ति, ये चीज़ पढ़ना है। आगे देखते हैं इसी में, आगे इसी में देखेंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है, तो गुरुत्वाकर्षण में इतने द्रव्यमान, भार, उपग्रह, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है। द्रव्य के सामान्य गुण में अवस्था परिवर्तन, प्रत्यास्था, दाब, प्रत्यास्था, दाब। इसके अलावा देखिए आप प्लवन, पेश, तनाव, श्यानता, कोशिकत्व, तरंग एवं तरंग, तरंग गति एवं तरंग धैर्य, तरंग गति एवं तरंग धैर्य, तरंगों से संबंधित शब्दावली, ध्वनि, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऊष्मा, ताप एवं ऊष्मा गति से ऊष्मा एवं ताप अवस्था परिवर्तन, ऊष्मा गति की, उसके बाद से देखिएगा ऊष्मा गति की अवस्था परिवर्तन हो गया, प्रकाशिकी, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्रकाशिकी से, प्रकाशिकी से इसमें प्रकाश के गुण, दर्पण, लेंस, प्रकाशी का अनुप्रयोग, प्रकाशिक यंत्र, विद्युत धारा, प्रकाशिक यंत्र, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा में देखिए इलेक्ट्रिक से क्या क्या आएगा, चलकता एवं चुंबकत्व, विद्युत धारा, चलकता, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, चुंबकत्व, नाभिकीय, भौतिकी और विभेद। देखिए कुल मिला जुला के आपको देखेंगे तो 4 या 5 चैप्टर आपके हो रहे हैं, 6 या 7 चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के। अब आइए रसायन विज्ञान के देखते हैं, तो द्रव्य में इसकी अवस्था में क्या क्या है इसको देखेंगे। इसमें आपको पढ़ना है द्रव्य, द्रव्य, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, विलयन, पृथक्करण की विधि, परमाणु संरचना, देखिए परमाणु के अवयव पढ़ना है। इसके आगे हम देखेंगे तो
परमाणु का व्यय, परमाणु संबंधी मॉडल, कोश उपकोश कक्षक, क्वांटम संख्या, समस्थानिक एवं संभारिक। इसमें ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए संयोजकता है, हमारा रासायनिक बंधन में संयोजकता पढ़ना है सबसे पहले, उसके आगे देखेंगे तो उसमें रासायनिक बंधन पढ़ना है, रासायनिक बंधन पढ़ना है। अब रासायनिक अभिक्रिया में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएँ, आगे देखते हैं ऑक्सीकरण अवकरण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये 7 में और 8 में काफ़ी ज़्यादा विस्तार से दिया हुआ। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या क्या है, ये अम्ल क्षारक एवं लवण, ये पढ़ना है। आगे देखेंगे अम्ल क्षारक लवण में क्या क्या पढ़ना है, पीएच मान एवं सूचक, लवण क्षारक अम्ल, गैसीय अवस्था में देखिए क्या क्या पढ़ना है, उसको आइए देख लेते हैं। गैसीय आज केवल मैं सिलेबस ही डील करूँगा, इसके बाद से चैप्टर वाइज क्लासेज में डालते जाऊँगा। गैसीय अवस्था में देखेंगे गैस के सामान्य गुण, गैसीय नियम, आदर्श गैस, ये चीज़ तत्वों के आवर्ती के वर्गीकरण, जो अभी तो मतलब किताबों में से इसको हटा दी गई पीरियोडिक टेबल का, लेकिन इसमें पढ़ना है आवर्त सारणी संबंधी नियम जो होगा, आधुनिक आवर्त सारणी, तत्वों का वर्गीकरण की जरूरत क्या है वो आएगा आपका। फिर देखिए धातु अधातु, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धातु अधातु उपधातु में धातु के रासायनिक गुण, उपधातु मिश्र धातु, धातु का हम ये आएंगे। फिर अधातु में कार्बन और उसके यौगिक विभिन्न रूप, हाइड्रोजन सल्फर नाइट्रोजन ओजोन, ये सारी चीज़ें। रेडियो सक्रियता कार्बनिक रसायन में देखिए क्या क्या आएंगे, हाइड्रोकार्बन एल्कोहल बहुलक विस्फोटक ऑर्गेनिक में, इसी में आपके ईंधन आ जाएंगे, ईंधन में पेट्रोलियम गैसीय ईंधन ये। आगे देखेंगे दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग कहाँ कहाँ है, तो साबुन में बहुलक उर्वरक सौंदर्य कांच, सौंदर्य प्रसाधन कांच, सीमेंट, सीमेंट देख रहे हैं आप सीमेंट। अब फिर इसका जो विविध होगा, फिर इसका जो विविध होगा वो उसको मैं बताऊंगा, इसका विविध विविध में। अब आइए जीव विज्ञान में देखते हैं, जीव विज्ञान में जीव विज्ञान शाखा जीव की उत्पत्ति से संबंध प्रमुख शाखाएँ क्या क्या हैं, और जैव विकास, जीव का वर्गीकरण, प्रतिष्ठा, देखिए वर्गीकरण यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है ना, क्लासिफिकेशन से काफ़ी क्वेश्चन आएगा इसमें कवक, यही ये पूरा टोटल क्या है क्लासिफिकेशन है, इससे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद से सेल, कोशिका, कोशिका में इतना सारा चीज़ पढ़ना है। उसके बाद से आप न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आना ही आना है, विटामिन वगैरह सब इसी में आ जाएंगे, पोषण में जितने भी विटामिन है वो सब आ जाएंगे, खनिज और संतुलित आहार टोटल चीज़ें। अब पादपों क्या करें कि इसमें जड़, पत्ति, तना, बीज, पुष्प, ये चीज़, उत्सर्जन तंत्र ये पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र में सारी चीज़ आ जाएंगे, रक्त परिचरण तंत्र में ब्लड कौन कौन क्या क्या, हृदय है सारा चीज़ इसमें, प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्शन इसमें प्रजनन तंत्र, महिला प्रजनन तंत्र, जुड़वा हार्मोन इसमें पढ़ना है, पादप में जनन कैसे होता है, पादप में पोषक कैसे होता है, पादप रोग कैसे होता है, फिर विविध पढ़ेंगे। उसके पास कंकाल तंत्र उपस्थिति, श्वसन तंत्र में इतना सारा चीज़, पाचन तंत्र में आहार नल, पाचन ग्रंथि इत्यादि, अनुवांशिकी पढ़ना, फिर विविध पढ़ना, और इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाता है आपका पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, वायु, जैवमंडल, जैव विविधता, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उसमें क्या क्या हुआ है, ये सारी चीज़। फिर इसका अभिज्ञान परिधिकी में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम लोग करेंट अफेयर्स साइंस का कह सकते हैं। अंतरिक्ष में, रक्षा में, जैव प्रौद्योगिकी, विविध अभिज्ञान प्रौद्योगिकी, समसामयिकी, करंट अफेयर्स जितने हैं, तो ये जितने थे ये साइंस के सिलेबस थे आपके, साइंस सब्जेक्ट के ये आपके टोटल सिलेबस थे। जो इतना ही अगर हम इसको पढ़ लेंगे, मैंने जो भी चैप्टर बताया फिजिक्स से लेके, ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो वही 20-22 या 23 चैप्टर आपके होंगे, जो 6 to 12 लेवल के होंगे, और वन लाइनर में इसको प्रोवाइड कराऊँगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसे 100% आपके क्वेश्चन लड़ेंगे ही लड़ेंगे बीपीएससी में। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा, और मैं इसकी क्लासेस बहुत ही जल्द मंडे से मैं इसकी क्लासेस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, उसका पीडीएफ बन रहा है, समय लगता है थोड़ा सा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और बाकी ये हमारा प्रयास कैसा रहा, क्लास कैसा है, और सिलेबस आपको समझ में आया कि नहीं, ये नोट कर ले, और लाइन बाई लाइन हम लोग सबको पढ़ेंगे। एक दिन फिजिक्स के क्लासेज, एक दिन केमिस्ट्री क्लासेज, एक दिन बायो के क्लासेज, ऐसे चलेंगे, और या दो दो दिन चलेंगे, ठीक है। लाइन बाई लाइन ये होंगे, स्टार्ट हो गया। अब बहुत ही जल्दी मैं मैथ का सिलेबस और रीजनिंग का सिलेबस मैं आपको दे दूंगा, और सीटेट का भी वीडियो इस पर अपलोड होने लगेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में,
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए भी रहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है उनका साइंस फिक्शन से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।